जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको नी में किसी भी तरीके का पेन रहता है और वो उसके लिए एक एमआरआई करवाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको नी एमआरआई में लिगामेंट स्प्रेन की शिकायत बताई जाती है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो ये कहते हैं कि क्या सर, मुझे इस ACL इंजरी, इस ACL स्प्रेन, इस हाई ग्रेड पार्शियल टीयर, ऐसे शब्दों को पढ़ने के बाद वो हमसे पूछते हैं, क्या सर मुझे इसमें सर्जरी करवाना ज़रूरी है, क्या एक्चुअली मेरे को बिना सर्जरी कराए हुए भी ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन है या नहीं। तो दोस्तों, इसी सवाल को डिस्कस करने के लिए आज हम फिर मिले हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने रिपीटेडली अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर जहाँ पर हमने ACL इंजरी, ACL टीयर के बारे में बात की है, वहाँ पर हमने एक शब्द का इस्तेमाल रिपीटेडली किया जिसको बोलते हैं इंस्टेबिलिटी, हिंदी में उसको बोला जाता है लचक। और जब भी हम पेशेंट से बात करते हैं, जैसे कि पेशेंट अपने पोस्ट सर्जरी या प्री सर्जरी इंटरव्यूज़ में बताते हैं, तो पेशेंट्स ये कहते हैं कि उनको एक गिव वे की फीलिंग, यानी कि ऐसा लगना कि सांतल घुटने से और टांग की तरफ में कनेक्टेड नहीं है, मतलब टांग और सांतल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेबिलिटी की फीलिंग होना। तो दोस्तों, जब हम इन पेशेंट से मिलते हैं जो कि एक MRI को साथ लेकर के आते हैं और कहते हैं कि सर, इस MRI रिपोर्ट के अंदर ACL के अंदर कुछ इंजरी बताई हुई है, तो क्या हमें इस ACL इंजरी को सर्जिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है या नहीं, तो उनसे हम सबसे पहले ये चीज़ पूछते हैं कि उन्होंने MRI क्यों करवाया है, MRI करवाने का उनका बेसिक रीज़न क्या था, और क्या उनके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उन्हें कहा था MRI करवाने के लिए, या उन्होंने शक के बिना पर अपना MRI खुद करवाया है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास एक प्राइमरी प्रिस्क्रिप्शन किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या जनरल फिजिशियन का नहीं होता और वो शक के बिना पर अपने घुटने का एक्सरे या अपने घुटने का MRI करवा करके साथ लाते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया है, तो अपना MRI खुद से ना करवाएं, और एक बार परामर्श लेने के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, हिस्ट्री के बाद, जब ये एसर्टन हो जाए कि हमारे को कोई ऐसी मांस की चोट है जिसको हम डिलिनिएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ चोट आई हुई है, तो आपके प्रैक्टिशनर आपको खुद ही एक MRI या एक्सरे की मदद लेने के लिए कहेंगे। जब हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि लचक या इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट लाते हैं या लॉकिंग कैचिंग की कंप्लेंट लाते हैं, जब वो कहते हैं कि एक परसिस्टेंट पेन रहता है जो कि एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, रिहैब से, मेडिकेशंस, आइस पैक्स, फिजियोथेरेपी से रिलीव नहीं हो रहा, तो हम उन्हें हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोलते हैं कि वो कराएं, और उसके बाद उन हायर इन्वेस्टिगेशंस को हम रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज करके ये देखते हैं कि पेन का जो सोर्स है या सिम्टम का जो सोर्स है वो क्या है। तो दोस्तों, मेकिंग दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि किस पेशेंट को एक्चुअली ACL टीयर के लिए सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसके अंदर जो शब्द है इनस्टेबिलिटी, जिन भी पेशेंट्स को एक्चुअली लचक की महसूस होती है या ऐसा लगता है कि उनका घुटना भागते हुए, दौड़ते हुए, सडन स्टॉप करते हुए निकल जाएगा, गिव वे कर जाएगा, या वो कूद नहीं सकते, या वो कोई चीज़ खेलते हुए उनको प्रॉब्लम देती है लैंडिंग फेज में टिपिकली, या स्टॉपिंग फेज में, या शूट लेते हुए, तो वो ये सर्कमस्टांसिस रहते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ACL डिफिशेंसी का साइन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं। तो मोटी मोटी सी बात, सबसे ज़रूरी बात ये है कि MRI क्या कह रहा है वो ज़रूरी नहीं है, हमारा पेशेंट, हमारे उसके सिम्टम्स क्या कहते हैं वो सबसे ज़रूरी एक कंसिडरेशन रहती है। तो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास जो आते हैं जो कहते हैं कि सर, हमें सिम्टम्स नहीं हैं और हमारा MRI एक Grade 1, Grade 2 स्प्रेन दिखा रहा है या हाई ग्रेड स्प्रेन दिखा रहा है, तो उनको अगर लचक के सिम्टम्स नहीं आते, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम पाते हैं कि ACL लिगामेंट उनका ठीक लग रहा है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग आम तौर से कहते हैं कि वो एक्सरसाइजेज और रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल से फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ACL इंजरी को कंजर्वेटिवली भी ट्रीट किया जा सकता है और ACL इंजरी को हम लोग बिना सर्जरी के सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं उन मरीजों के अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर जहां पर लचक नहीं आती, बट रेडियोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कई बार कि MRI के अंदर, एक्सरे के अंदर महसूस करते हैं कि एक ACL के लिए उनके स्प्रेन बताया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक बहुत ज़रूरी सवाल का एक जवाब मिला होगा कि किन पेशेंट्स को सर्जरी करानी है, किन पेशेंट्स को सर्जरी नहीं करानी है, और ये चीज़ कैसे डिलिनिएट होती है कि हमें एक्सरसाइज से रिलीफ मिलेगा या नहीं।